राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की बहुत ही कृपा होगी मेरे दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता से ही प्रेरित एक सत्संग है, उसका निर्माण उसका वर्णन करूँगा। और ये आप सभी को अच्छा लगेगा, आपके मन को भाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसका शीर्षक है सच्चा धर्म, प्रेम और सेवा। तो मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, हनुमान जी पधारे हैं, सारे कान्हा जी का आह्वान किया है, बाबा नीम करौली जी का, श्री राम जी का, माता का। तो सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। तो ये सत्संग है छोटा सा, ये सच्चा धर्म, प्रेम और सेवा। और दोस्तों, अपने भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको भी बाबा नीम करौली जी की कृपा मिलेगी। तो शुरू करते हैं सच्चा धर्म। धर्म का मतलब यानी सत्य, ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म प्रेम का पंथ है। फिर घृणा कैसी, द्वेष कैसा, मिथ्याभिमान कैसा। मनुष्य एक ओर तो ईश्वर की पूजा करे और दूसरी ओर मनुष्य का तिरस्कार करे, यह बात बनने लायक नहीं। आज हम लोगों को केवल एक नैतिक उपदेश दे रहे हैं तो उससे काम नहीं होगा। आज तो हमें लोगों की मुश्किलें दुश्वारियाँ दूर करनी होंगी, तभी उनसे सद्विचार स्थिर होंगे, उनमें सद्विचार स्थिर होंगे। जिस वक्त आसपास आग लगी हो, उस वक्त हम मूर्ति का ध्यान करने बैठे तो यह भक्ति मार्ग का लक्षण नहीं होगा। उस समय तो हाथ में बाल्टी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ना ही भक्ति का मार्ग का लक्षण है। धार्मिक उपदेश और शिक्षाएं अनंत हैं। इस समय संसार में अनेक धर्म, मजहब या पंथ प्रचलित हैं। प्रत्येक धर्म के उपदेशों और शिक्षाओं संबंधी बहुत सा साहित्य है, खासकर मुख्य मुख्य धर्मों का साहित्य का परिमाण तो निरंतर बढ़ता जाता है। आदमी अपने अपने धर्मों के प्रवर्तक तथा अन्य मार्ग मान्य पुरुषों के वाक्यों की तरह 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 की व्याख्याएं और टीकाएं विविध भाषाओं में छपवाते हैं और प्रचार करते रहते हैं। इस प्रकार एक एक धर्म संबंधी इतने ग्रंथ हैं कि आदमी जन्म भर भी उन्हें पढ़ नहीं पाता तो भी सबको ना पढ़ सके अगर कोशिश करे तो। और साधारण आदमी अकेले इसी काम में लगा भी नहीं रह सकता। अस्तु, धार्मिक उपदेशों और शिक्षाओं का तथा टीका टिप्पणियों का कोई अंत नहीं है। साधारण मनुष्य को धर्म की बारीकियों और उलझनों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मुख्य तत्व की बात जान लेना चाहिए। कबीर कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के पंडित पढ़े सो पंडित होए। तो एक बार और पढ़ता हूँ इसे दोस्तों, ये ठीक नहीं पढ़ा गया मेरे से। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस तरह सरल सीधी भाषा में धर्म का अर्थ प्रेम और परहित साधना या सेवा से है। आदमी को इन्हें अमल में लाकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। सद्व्यवहार ही भगवान की पूजा। हम सब भगवान की पूजा उपासना करने का दम भरते हैं,
पर भगवान हमें दरिद्र नारायण के रूप में दर्शन देता है तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं। धर्म में ग्रंथों में कहा गया है कि एक धनवान व्यक्ति के मरने पर भगवान कहता है, ए धनवान आदमी, मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। आदमी पूछता है, तूने मुझसे कब मांगा और कब मैंने तुझे खाना नहीं दिया? तो भगवान जवाब देता है, मैं मजदूर के रूप में तेरे पास आया और तूने मुझे मुनासिब मजदूरी नहीं दी, इससे मैं भूखा रहा। फिर भगवान कहता है, हे आदमी के बेटे, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं दिया। आदमी हैरान होकर पूछता है, कब तूने मुझसे पानी मांगा और कब मैंने पानी नहीं दिया? तो भगवान जवाब देता है कि मैं मेहनत करने के बाद प्यासा होने पर तेरे दरवाजे पर गया और तुझसे पानी मांगा, पर तूने मुझे पानी नहीं दिया। यह बात हमारे सामाजिक व्यवहार पर कितनी ठीक बैठती है। असली धर्म मानने वाले व्यक्तियों के लिए सारा संसार ईश्वर में है। वह सब प्राणियों से प्रेम करेगा। उसके प्रेम का क्षेत्र उसका परिवार या रिश्तेदारों तक ही नहीं, उसकी जाति बिरादरी के लोगों तक ही सीमित नहीं होता। वह सब में ईश्वर का स्वरूप देखता है। वह सबके स्नेह का नाता रखता है। सबको अपने परिवार या कुटुंब का हिस्सा मानता है। वह सबको समभाव से देखता है, सबसे प्रेम करता है। ऊंच नीच की थोती कल्पना को उसके मन में स्थान भी नहीं मिल सकता। वह किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। उसके लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाना स्वयं अपने आप को पीड़ा पहुंचाना है। वह किसी के मजहब की निंदा नहीं करता। वह सब में सम दृष्टि रखता है और सबकी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करने को तैयार रहता है। ऐसा प्रेमी व्यक्ति प्राणी मात्र में एकता का अनुभव करता है और वह एक साधन करता है। एक के साधन का मार्ग लोक सेवा है। यही प्रेम का व्यवहारिक स्वरूप है। हमारा किसी से प्रेम करने का अर्थ यही नहीं होता कि हम उसके लिए कुछ मीठे शब्द कहकर रह जाएं। प्रेम तभी सार्थक है जब हम अपने प्रेम पात्र का हित चाहें और हित साधना का प्रयत्न करें, उसके कष्टों और अभावों को दूर करने का उपाय निकालें और उसकी उन्नति तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करें। धर्म भावना वाले अपने कर्तव्य पालन में सब प्रकार कष्ट सहते और त्याग करते हैं और वे इसमें कोई दुख अनुभव नहीं करते। उनके हृदय में सबके लिए माता का सब प्रेम होता है। वे अपने पास के सब आदमियों को सुख पहुंचाने में अपना सुख मानते हैं। सेवा करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए वे उन्हें विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज ये इतना ही है। आज का छोटा सा मैंने ये चुन कर लिया है 2-3 जगह से दोस्तों, जो भी लिखा है। अगर आपको पसंद आए तो ये सत्संग का ही रूप हो गया है दोस्तों। आप मुझे बताएं ये कैसा लगा आपको। बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर मैंने जो कुछ भी ये आपको पढ़ के सुना दिया है, जो मैंने 2-3 जगह से थोड़ा भाग लिया है, ये मुझे लगा कि अच्छा लगेगा सबको सत्संग। उससे भगवान परमात्मा की जो सबके मन में कुछ जो असली तस्वीर है, जो हमारे आपस में समाज में जो तस्वीर निखर के आएगी वो अच्छी होगी। तो अब आज्ञा लेता हूँ। कल आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का अगला सर्ग उसका वर्णन करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
राम राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान बजरंग।